रहीत या सैदी या रसोल्लाम याद या हबीबल्ला तमाम सुनने वालों को मेरा सलाम मैं हूं राना जीम, आप देख रहे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज आज बड़ी खबरों से पहले एक ऐसी खबर के मुतलक भी बात करते हैं सलमान शहबाज तो उनकी गैर मौजूदगी में कानून के मुताबिक बेल मिल जाती है वो तो पाकिस्तान आएंगे पाकिस्तान आ गए पाकिस्तान आकर मुकदमात का सामना क्या करना है उनके आने से पहले ही ये मैं आपको बता रहा हूं उनके आने से पहले ही उनके मुकदमात में उनके हक में सब कुछ लिख दिया गया है और उनके हक में सब कुछ लिखते वक्त बायदा हुकूमती जुमादारान जो कानून को जानते हैं जिनको कानून के मामले पे इम है वो बाकायदा अपनी मौजूदगी में ये सब कुछ करवाते रहे एक तरफ तो इंसाफ और कानून इस तरह और दूसरी तरफ पचहत्तर साल आजम सवाते, जिसको उसके कसूर से कई गुना ज्यादा ना सिर्फ सजा मिल चुकी है बल्कि अब एक सेनेटर एक कानूनदान एक मरूफ सियासतदान को इंतहाई गलीस तरीके से सिंध पुलिस लेकर ट्रां हो गई एक तरफ जुर्म बड़ा सजा कोई नहीं दूसरी तरफ जुरम मगर उसकी सजा कई गुना ज़्यादा। इंसाफ कौन देगा क्या अब भी हम का द्वार की तरह ये सब कुछ देखेंगे सवाल हर शख्स कर रहा है कि क्या अगर आजम सवाती का यह जुर्म है तो फिर मिया नवाज शरीफ मरियम नवाज मियां जबे लतीफ और बहुत से लोग तो इससे आगे इससे भी आगे जाकर बोले थे क्या उनको भी कभी ऐसी सजा मिलेगी नहीं मिलेगी इसलिए एनआरओ टू के तहत सिर्फ उन्हें रिलीफ मिलेगा और सजा किसी और को मिलेगी हम उम्मीद रखते हैं कि कमान की तब्दीली के बाद तब्दील कमान हो गई और यकीन है कि अब इंसाफ मिलेगा अब इंसाफ होगा मगर हम इसके मुंतजिर हैं यकीन के साथ कि यह होगा यह आपको बड़ी खबरें देने से पहले यह बताना और यह इस बात को डिस्कस करना इसलिए जरूरी था कि मैंने सोशल मीडिया फेसबुक और मुझे मेरे अपने वीलॉग पे मिलने वाले रिमार्क्स में यह कहा गया था कोई तो बोले हमने आगाज तो कर दिया है हम तो ही नहीं करेंगे गलीस जुमले नहीं बोलेंगे मगर इंसाफ के लिए आवाज जरूर बुलंद करेंगे चले आपको बड़ी ब्रेकिंग न्यूज देते हैं बड़ी ब्रेकिंग न्यूज यह है कि फाइनल मुजाकर शुरू हो गए हैं एक रोज पहले राणा सनाउल्ला ने भी एक तरफ प्रेस कॉन्फ्रेंस की उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वादे तौर पे कहा कि इलेक्शन 2023 मुकर्र वक्त पर होंगे कप्तान असम्बलियां तोड़े हम उनका मुकाबला करेंगे इलेक्शन में जाएंगे मगर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के ठीक दो घंटे बाद इसक दोबारा सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी साहब से रता करते हैं उस रे के बाद बकैदा मजाक शुरू होते हैं और उन मजाक में यह बात कही जाती है कि मई का एंड तक हमें टाइम दें हम मई के आखिर में इलेक्शन करवा देंगे और जनवरी तीस तक हुकूमत को चलने दें यह है फाइनल मजाक की एक अहम चीज हिसाबदार इस फाइनल मजाक के बाद ये कह के, के जाते हैं कि ये फाइनल हमारी तरफ से ऑफर है आप कप्तान से पूछ लें वो उस वक्त तक असम्बलियां तहलील ना करें और कौमी असम्बली के अंदर आए निगरान सेटअप इलेक्शन कमीशन और दीगर मामला पर उनसे हम बात करें मजाकराती टीम बनाए हम इसके लिए तैयार है जिस बार उनको सवाल किया गया कि राना सनाउल्ला की प्रेस कॉन्फ्रेंस तो उसके जवाब में कहा कि पाकिस्तान में मिया नवाज शरीफ का सिर्फ मैं नुमाइंदा हूं और मैं जो बात करूंगा वही मियां नवाज शरीफ की बात होगी यही साहबदार ने कहा और कहा कि एक गारंटी दे कि नवाज शरीफ की पाकिस्तान आमद पर तहरीक इंसाफ कोई एहतजाज या उनके खिलाफ किसी कानूनी महासराई में नहीं जाएगी ये आज अहम तरीन मुझरात में शराय कुछ दो कुछ लो के लिए सागदार ने कहा है कप्तान तक ये बात पहुंच चुकी है कप्तान वक्त के हवाले से कुछ टाइम नीचे आने पर तैयार है लेकिन मियां नवाज शरीफ की करप्शन या दीगर मामला पर कंप्रोमाइज करने से वाज इंकार कर दिया है मगर तो इसके बावजूद इतना है मेरे पास कि फाइनल मजाक शुरू हो चुके हैं शायद चंद दिनों में कोई बड़ी डेवलपमेंट सामने आ जाए एक और बड़ी ब्रेकिंग न्यूज दो मुफ्ता इस्माइल आइंदा चंद रोज में कई अहम तरीन इंकशाफ कर सकते हैं और यह अहम तरीन इंकशाफत हकूमत की कश्ती को किसी जगह भी दबो सकते है। बड़े हैं बड़े अहम जराये इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि मुफ्ता इस्माइल के साथ नोन लीग की कई अहम शख्सियात राबते करके उसे उसकी जबाबंदी और उसे मुलक से बाहर भेजने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि उन्हें इतला मिल चुकी है कि मुफ्ता इस्माइल डॉलर से लेकर दीगर मामला में कौन कहा से किस तरह मुल्व है अहम सबूत उसके पास है और अगर मुफ्ता इस्माइल अहम गवाह बन गए और उन्होंने अहम इंकशाफ कर दिए तो हुकूमत किसी सूरत में भी आईंदा बचती नजर नहीं आएगी एक और बड़ी खबर दे दू बलोचिस्तान में कोयटा के अंदर जमीत उलमा इस्लाम मौलाना फजल रहमान के एक जलसे में एक बड़े इवेंट में गैर मुल्की अफराद की तरफ से सैलाब सदकान के लिए दिए गए खैमे बतौर कलीम के तौर पर जमीन पर बिछाने पर पाकिस्तान को इमदाद देने वाले सैलाब के लिए इमदाद देने वाले बड़ी एन जी ओ ने बड़े अहम कौमी एक इंटरनेशनल अदारे को फुटेज और भेजी है कि पाकिस्तान के अंदर इसलिए सैलाब जदगान आज तक उनकी बहाली नहीं हो सकी कि खेमों से लेकर रकम खाने पीने की अशिया से लेकर दीगर सामान उनकी बजाय सियासतदानों तक पहुंचा है जिसके बाद कई इंटरनेशनल एन जी ओ और अदारे आने वाले दिनों में पाकिस्तान को हर किस्म की इमदाद देने से वाज इंकार करने जा रहे हैं मजीद क्या बड़ा होने जाएगा अगले वीरों का इंतजार कीजिए इजाजत दीजिए लाभ